हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं आपको एक अपनी छोटी सी शॉपिंग दिखाऊंगी जो कि मैं नर्सरी से लेकर आई हूं दूसरी बार। और यहां पर देखिए, मेरे टिकोमा में फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली है। देखिए कितनी सारी कलियां आने स्टार्ट हो गई हैं और ये बहुत ही अच्छे से ब्लूमिंग करने वाले हैं फिर से। और देखिए ग्रीनरी कितनी अच्छी यानी ऐड कर रहा है गार्डन में, बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक दे रहा है। और यहाँ मेरे हिबिस्कस, ये मिनेचर हिबिस्कस है और बहुत ज़्यादा इनमें फ्लावरिंग होती है, बहुत अच्छी यानी हैवी फ्लावरिंग होती है। हर समय इनमें फ्लावर्स आए रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा यानी खिले रहते हैं इसमें फूल हमेशा ही। ये देखिए ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है प्लांट की, इसमें हर समय इतनी सारी कलियाँ आई रहती हैं। और यहाँ पर देखिए मेरा लेंटाना, ये भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। इसको ज़्यादा दिन नहीं हुआ है मुझे अभी अपने गार्डन में ऐड किए हुए, और ये दूसरी बार मेरे यहाँ फ्लावरिंग कर रहा है। ये एक बार जब मैं लेकर आई थी तब इसमें फ्लावर्स आए हुए थे और इसमें दोबारा फ्लावर्स आए हैं जो कि बहुत ही अच्छे। कुछ फ्लावर्स यहाँ पे आए थे वो झड़ गए हैं, ये देखिए यहाँ पे नीचे काफ़ी सारे गिरे हुए भी हैं। और यहाँ पर देखिए मेरे बालसम में कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल से फ्लावर आ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं इनके फ्लावर्स। और कलर भी देखिए कितना ज़्यादा वाइट कलर है। और ये देखिए ग्रास ओपर ने इस बार बहुत ज़्यादा आफत मचा रखी है गार्डन में। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, तो ये है मेरी छोटी सी शॉपिंग जो कि मैं फिर से गई थी नर्सरी तो लेकर आई हूँ। और ये मैंडविला का प्लांट है, देखिए कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और इसमें बहुत सारे यानी कई कलर आते हैं लेकिन उनके पास वाइट कलर ही था, और काफ़ी ज़्यादा यानी ब्यूटीफुल है ये देखिए। और कलियाँ आई हुई थी, मैंने बड्स वाले ही प्लांट को लिए, नहीं तो इनमें फ्लावर्स भी खिले हुए थे वाइट कलर के। तो देखिए, और ये मुझे 70 रुपीज़ में मिला। और काफ़ी अच्छा हेल्दी प्लांट भी है, एक ब्रांच यहाँ पर और निकली हुई है। और दूसरा प्लांट मेरा ये है, मेरे पास चंपा का प्लांट कई सारे हैं लेकिन ये जो नाग चंपा है ये प्लांट मेरे पास नहीं था, तो मुझे इस बार वहाँ पर दिख गया तो मैंने इसको ले लिया। ये मुझे 20 रुपीज़ में दिया उन्होंने, और बिल्कुल छोटा सा प्लांट है ये देखिए, इतने छोटे से ग्रो बैग्स में लगा हुआ है। और मैं इसको बस एक दो दिन में रिपोर्ट कर दूँगी, मुझे 3 दिन हो गया है इनको लाए हुए और मैंने इनको ऐसे ही रखा हुआ है। जब भी आप कोई भी प्लांट नर्सरी से लेकर आते हैं तो आप उसको 2-4 दिन अपने गार्डन में ऐसे ही रखिए, उसके बाद ही रिपोर्ट करिए तो प्लांट थोड़ा आपके गार्डन में एडजस्ट हो जाता है। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी प्लांट को शॉक लग जाता है और प्लांट फिर मरने की कंडीशन पर आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, और एक प्लांट मैंने लिया है टर्टल वाइन का जो कि हैंगिंग बास्केट में लगी हुई, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, तो मैं इसको हैंगिंग बास्केट में लगाऊंगी। तो मैं तो गई थी हैंगिंग बास्केट लेने ही, लेकिन उनके पास जितने भी बास्केट थे वो सब में जितनी भी वाइन थी ऐसी लगा लगा कर उन्होंने रखा हुआ था, तो सिर्फ 2 बची हुई थी। ये देखिए यहाँ पर तो सिर्फ 2 पीस ही बचे हुए थे, तो मैं इसको लेकर आई हूँ। और काफ़ी अच्छा है, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है ये देखिए इस तरह से। और इसमें ये हैंग करने के लिए ऐसे लगाया है मैंने, इसको लगा हुआ रहता है ये स्टिक उन्होंने दी है। और यहाँ पर ये देखिए, तो मैं इसमें अपने एक में टर्टल वाइन लगाऊंगी और एक में ट्रायंगल हार्ट लगा दूंगी। मुझे और चाहिए थे लेकिन उनके पास ख़त्म हो गए थे, उन्होंने बोला कि 1 हफ्ते में आ जाएंगे, तो मैं फिर से देखूँगी दोबारा, अगर जाऊँगी तो लेकर आऊँगी। और एक इस तरह से, तो ये देखिए इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है ये देखिए इस तरह से, और काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लग रहे हैं। तो मैं बस 2 ही ला पाई इनको देखूंगी मैं अगली बार, अगर मुझे मिल जाएंगे तो मैं लगभग 5-6 और लेके आऊँगी। तो कुछ हैंगिंग बास्केट में अपने प्लांट्स फिर लगाऊंगी, कुछ मनी प्लांट लगाना है मुझे। तो यहाँ से ये नीचे से खुलता है, यहाँ से ये देखिए यहाँ से इस तरह से खुलता है। पानी निकालने के लिए इसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा जब भी आपका, तो आप इसको खोल कर यहाँ से पानी इसका निकाल सकते हैं। और ये होल्स बने हुए हैं काफ़ी अच्छे से, तो आप इसमें कोई भी प्लांट लगाएं बहुत अच्छे से यानी ग्रो करेगा देखिए। तो जब भी आप प्लांट लगाएं इसमें थोड़ा सा कंकड़ की लेयर डाल लें, पहले कपड़ा बिछा लें आप, एक कॉटन का या फिर जो कैरी बैग्स वगैरह होते हैं तो उसका टुकड़ा आप थोड़ा सा बिछा लीजिए, उसके बाद इसमें थोड़ा सा कुछ कंकड़ वगैरह नीचे डाल लीजिए, फिर आप प्लांट लगा दीजिए, बहुत अच्छे से यानी चलेंगे। तो ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद मैंने लिए हैं ये, तो इतना तो मैंने नर्सरी से लिया है, और बाकी क्या मैंने थोड़ा लोकल मार्केट से लिया है, तो ये इस तरह के मग मैंने लिए हैं 6 पीस। मुझे छोटे छोटे पॉट्स नहीं मिल रहे थे तो मैं इन्हीं को ले आई, मैं इनमें अपने अडेनियम लगा लूँगी, इनमें काफ़ी सारे नीचे होल्स बनाकर और नीचे
काफ़ी सारा यानी आधी दूर तक कंकड़ रख करके मैं इसमें एडेनियम्स अपने लगा लूँगी। तो कुछ यानी जो बेबी प्लांट्स मेरे एडेनियम के तो चल जाएंगे काफ़ी अच्छे। इनका साइज भी बहुत अच्छा है, क्यूट क्यूट से हैं ये देखिए, छोटे छोटे से 8 and 10 rupees के हैं तो, और काफ़ी मजबूत है, लगभग 1-2 साल तो आराम से ही चलेंगे और ज़्यादा भी चल जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह के मैं 6 पीस लाई हूँ, यहाँ पे मैंने 2 रखे हैं, बाकी मैंने उनमें होल्स भी बना लिए हैं। और एक ये छोटी सी बास्केट लेकर आई हूँ, ये फर्टिलाइज़र वगैरह मिक्स करने के काम आएगी मेरे गार्डन में, तो इसको मैंने 20 rupees में लिया है ये देखिए, और काफ़ी अच्छी मजबूत है ये भी, ये मैंने लोकल मार्केट से लिया है। और उसके बाद मैंने ये जो आपको पिछली बार यानी लास्ट बार अपने जो पॉट्स दिखाए थे ये देखिए, ये तो ये देखिए, ये मैं 6 पीस लेकर आई हूँ फिर से, 10 में पहले लेकर आई थी और कुछ मैंने प्लांट्स भी लगा दिए हैं, कुछ मेरे अभी रखे हुए हैं। ये मेरे जो विंटर के सीजनल प्लांट हैं उनको लगाने के बहुत काम आने वाले हैं, तो मुझे ठीक लगा प्राइस, और यानी प्राइस भी सही लगा और मिल रहे थे उनके पास, कभी कभी फिर मिलते नहीं हैं इसलिए फिर मैंने इकट्ठे ले लिए, मिल गए उस दिन मुझे। तो ये देखिए यहाँ पर ये 6 पीस हैं ये इस तरह से, और काफ़ी अच्छा साइज़ है, जितने भी मेरे इंडोर प्लांट्स लगे हुए सारे इन्हीं में मैंने लगा कर रखे हुए हैं। और ये देखिए आप, तो ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग जो मैंने की है अभी लास्ट बार, और ये प्लांट देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी यानी कॉस्टली भी आता है पर उन्होंने मुझे 70 rupees में इसको दे दिया, और इसका एक रेड कलर का जो आता है वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है, तो आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। और ये समर का प्लांट है वैसे तो, और लगभग फरवरी से लेकर इसमें अक्टूबर तक फ्लावरिंग होती रहती है, बहुत ही अच्छा यानी प्लांट होता है। और ये वाइन है तो इसको मैं देखती हूँ मैं किस तरह से यानी इसकी इसको रिपोर्ट करूँगी, उसका भी वीडियो मैं आप लोग के साथ फिर शेयर करूँगी। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और आज हमारे यहाँ बारिश भी शुरू होने वाली है, देखिए बूंदाबांदी शुरू हो गई है, तो मैं जल्दी से इसको सबको समेट के रख देती हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।